I've fallen in love with I Love. I love you. Bole, wow. डरपोक, ये मेरी फोन का रिंगटोन है यार। कोई ऐसा रिंगटोन रखता है क्या? अच्छा छोड़, ये बता मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? ये माहौल देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं, चल। क्या यार, तू भी पागल जैसे मत कर। इस हवेली का इतिहास बहुत ही रोमांचक है, मैं तुझे बताती हूँ। ओहो, मुझे नहीं सुनना बाबा। तुझे सुनना ही पड़ेगा। इस हवेली में कई सालों से एक अघोरी रहता था। वो छोटे बच्चों की बलि देकर शुत्र पूजा करके प्रेत आत्माओं को अपने वश में करता था। एक रात पूजा करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। जो आत्माएं उसके वश में थी, उन्होंने उसकी बलि ले ली। उसने प्रेत आत्माओं को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। ये कहानी मैंने गाँव वालों से सुनी है, लेकिन इसमें सच कितना है और झूठ कितना है, ये मुझे जानना है। अगर लक रहा तो भूत का हम लाइव इंटरव्यू ले सकते हैं। चलो, हम कोई बड़े सेलिब्रिटी या मूवी स्टार से मिलने थोड़ी जा रहे हैं जो इंटरव्यू लेंगे। मुझे स्टार से ज्यादा भूत देखना है यार। लाइफ में एक बार तो मैं भूत से मिलना चाहती हूँ, ये मेरा मिशन है यार। ओ मेरी माँ, छोड़ दे यार, मुझे यहाँ से जाना है। मैं हूँ ना यार, डरती क्यों है, चल ना। तू है उसी का तो डर है। अनु, लगता है वहाँ कोई है। कोई नहीं है, चल चल आ जा। ये क्या है? क्या हुआ अनु? नहीं यार, चल चलते हैं। बहुत टेंशन में हूँ, ऊपर से तूने रोना शुरू कर दिया है। पहले तो ये रोना बंद कर। मैं कहाँ रो रही हूँ यार? फिर कौन रो रहा है?
अच्छा देखते हैं। चल चल यहाँ से चलते हैं। प्लीज चल ना। चल चल। अनु माँ क्या हुआ माँ? और क्या होगा, रोज रोज भूतों के फिल्म देखकर सोती है। सुबह उठकर भूतों वाला नाटक चलता है। माँ भागकर आती है, मैं ही निहलर देता हूँ। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नाटक करती है। रोज का नाटक है ये तो। मैं तो इसके इस नाटक से थक गया हूँ। चांस मिला तो इतनी बड़बड़ कर रहा है। मेरा भी टाइम आने दे, फिर बताती हूँ। माँ पहले इसके शादी करके इसे यहाँ से भगाओ। जब वो टाइम आएगा तब मैं खुद चली जाऊंगी, तब तक तुम अपना मुँह। वो दिन जल्दी आए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करोगे? माँ ये बात तुम इस भूत से कहो। क्या, मैं भूत हूँ? बहन से ऐसे बात करते हैं? तुझे तो मैं सब तेरी वजह से। मुझे मारेगी? अनु चुप करना। पापा का फोन आया है। बात करना। हेलो। हाँ पापा, माँ यही है, देती हूँ। हेलो। तुझे तो मैं बात नहीं। हाँ बोलिए ना, क्या है? ठीक है, हाँ रेडी रहूंगी। ओके बाय। पापा ने फोन क्यों किया था माँ? कोई एक घर सेल के लिए है, देख कर आते हैं, ऐसे कह रहे थे। ओ माँ, हमें घर क्यों चाहिए? ये घर भी तो अच्छा है ना? ये घर अपना है क्या? गवर्नमेंट का है ना?
अपना खुद का एक घर चाहिए ना, इसीलिए हम लोग देख कर आते हैं। ठीक है माँ। माँ, कॉलेज की छुट्टियाँ जब से लगी तब से घर बैठे बोर हो गई हूँ। प्लीज मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ। माँ मैं भी साथ चलूंगा, प्लीज प्लीज मैं भी साथ चलूंगा ना माँ। ओके 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 ठीक है, लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है? ये ठीक है, ठीक है। तू जल्दी उठ के तैयार हो जा, तुझे भी नाश्ता देती हूँ, तू जल्दी तैयार हो जा, सब लोग वहाँ पर चलते हैं। ठीक है। माँ घर कहाँ है? कहीं महाबलेश्वर में है कह रहे थे, बंगले का नाम हाँ डायना हाउस कहते हैं। ओ डायना हाउस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बलराम, उर्फ BMW बलराम। वो हमेशा BMW कार में चलता है, इसीलिए बहुत लोगों को ये लगता है कि उसका नाम ही BMW है, लेकिन वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसका नाम BMW बलराम है, किसी को पता नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन और नेता लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इस BMW बलराम का सहारा लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, और उसी तरह ये BMW बलराम भी उन बड़े लोगों से रिश्ते अच्छे बनाकर राजनीति में उतर कर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। और हमारी बेचारी मासूम जनता बलराम के विषय में कुछ जाने बगैर ही बलराम को भगवान मानती है और ये उसी का फायदा उठाता है। असल बात तो यह है कि इस BMW बलराम ने अपना कोई भी धंधा छोड़ा नहीं है, ये है उसकी असलियत। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बलराम पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। हमने उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ये है। इतनी डिटेल काफी है सर, आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैंने आपको पहचाना नहीं सर। सहदेव नायक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाम तो बहुत सुना था, लेकिन इतनी जल्दी दर्शन होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। क्या है कि शनि देव के दर्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, पर जब समय आ जाता है तो वो खुद पहुंच जाते हैं। सर्च वारंट बॉयज। सर। यहाँ वहाँ ढूंढ के क्यों अपना टाइम बर्बाद करें सर? अरे साहब, मेरे कमरे में बंधा हुआ धागे से लेकर मेरे पास हर एक चीज का हिसाब पक्का है, इसीलिए हर साल मैं सरकार को 70 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता हूँ। मेरे पास इन सब का पक्का हिसाब है, समझ गए ना? सर पूरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला सर। आखिर आपने अपना टाइम बर्बाद ही किया, अब तो समझ गए ना? बलराम। बोलो साहब। पता चला है कि तुम्हारी गाय बहुत दूध देती है।
बलराम, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। करोड़ों रुपए खर्च करके तुमने ये इतना खूबसूरत घर बनाया और उसके ठीक सामने माथे पर तिलक की तरह जरूरत न पड़ने पर भी तुमने एक तबेला बनाकर खड़ा कर दिया। उसके अलावा अंदर दोनों कैमरा एक ही जगह फोकस कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? सुनिए, वहां का सारा पैसा तुम रख लो, कम लगा तो बोल देना, जितना चाहिए दे दूंगा, बस मुझे अरेस्ट मत करना। इतना ऊपर आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले ये मैं ही जानता हूँ। समाज में मेरा एक नाम है, एक रुतबा है, उसको तुम खराब मत करना। इतने दिनों तक अच्छे इंसान बनने का जो तुम नाटक करते आ रहे थे, उस नाटक का आज मैं पर्दा गिराने वाला हूँ। तू मेरे दामन पे दाग लगा के मुझे बुरा इंसान साबित करेगा, लेकिन मुझसे टकराने का परिणाम क्या होगा तुझे नहीं पता है। ए, मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूं। इंस्पेक्टर। ब्रेकिंग न्यूज, सुबह सुबह BMW के घर में इनकम टैक्स ऑफिसर सहदेव नायक का कब्जा, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी पर कब्जा। ताज़ा समाचार, सहदेव नायक ने बड़े स्कैंडल को पकड़वाया, BMW से आए हुए रिश्वत को भी ठुकराया, फिर से बने हीरो सहदेव नायक। क्यों बच्चों, तुम लोग भी न्यूज रीडर बन गए हो? पापा कोई भी चैनल लगाओ, सिर्फ आप ही छाए हो, रियल हीरो मतलब आप, और मैं आपकी बेटी हूँ इसका मुझे बहुत ही गर्व है। जो मीडिया वाले आज हीरो बना रहे हैं ना, वही कल जीरो बना देंगे। दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए हीरो सिर्फ आप ही हैं। ए, झूठ क्यों बोल रही हो? कल तक तो शाहरुख खान तुम्हारा हीरो था। वो रियल हीरो है पापा, रियल हीरो है। पापा इसके बाद में मत आना, ये हर 2 मिनट पे अपनी बात बदलती है। ए, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। पापा मेरे रियल हीरो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन सब आप ही हो। और मेरा हीरो तू है। और मैं कौन हूँ? तू तो मेरी माँ की जैसी है। फिर से माँ? इस खुशी के मौके पर उस दुखी औरत की बात क्यों कर रहे हो? चांस बस आपको मिलना चाहिए, ताने तो आपके रेडी होते हैं, है ना? ए पार्वती, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अब हंसी मजाक में थोड़ी बहुत खिंचाई तो होती है ना? ठीक है, ऐसे आप लेक्चर देते रहेंगे या बच्चों के साथ हम लोग घर देखने भी जाएंगे? कब से रेडी हैं? ओहो, वो तो मैं भूल ही गया था, तुम तो तैयार हो ना? हम लोग तो कब से तैयार हैं? तुम क्यों तैयार हो भाई? पापा हम भी आपके साथ आएंगे। नो, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ जाएंगे, तुम लोग यहीं रहो। प्लीज पापा, ले चलते हैं ना। बेचारे बच्चे, कितने दिन हो गए इन्हें कहीं बाहर भी नहीं ले गए। इन्हें अगर घर पे छोड़ दिया ना तो टॉम एंड जेरी की तरह झकड़ते रहेंगे बस। ठीक है, जब हाई कमांड ने कह दिया तो कोई बहस नहीं। रेडी होकर आता हूं। खुश हो गई ना? ये पापा, हम लोग कैसे जा रहे हैं? इतनी धमाकेदार एंट्री देने के बाद भी इस स्मार्ट आदमी के फेस को अभी तक किसी ने नहीं देखा। रॉकेट राजा, एक बार फिर से जाता हूँ, नॉर्मल एंट्री करके आता हूँ। थू, अनकल्चर्ड पीपल, आने जाने वाले रास्ते में कुछ भी फेंक देते हैं, अच्छा है किसी ने नहीं देखा। उठ जा बेटा, उठ जा, सबके पैर खींचेगा। समय 60 सेकेंड, 61 सेकेंड, 69 सेकेंड, 81 सेकेंड, 89 सेकेंड, 90 सेकेंड, मुझे आकर 90 सेकेंड हो गए। अब तक तो मैं सीटी की सीमा को पार कर चुका होता,
अगर हम लोग कभी एक मिनट भी लेट होते हैं तो हमें पकड़कर पीस देते हैं। अब देखो मैं भी वही करूँगा। दीदी कार आ गई। रॉकेट राजा। ए छोटे लाल, मैं अपनी कार लेकर 90 सेकंड से यहाँ खड़ा हूँ और तुम लोगों को टाइम सेंस भी नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं। अरे तुम लोग तो नॉनसेंस भी नहीं हो। अभी किसके साथ झगड़ा कर रहे हो तुम? दीदी जल्दी आओ इधर, ये पागल ड्राइवर आकर इधर तमाशा कर रहा है। आहा, कमल का फूल दिख रहा है। हेलो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये बच्चा बहुत ही स्वीट और क्यूट है ना, इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा था। मेरा बच्चा कितनी हसीन है तेरी। माँ कितना टाइम हो गया, पापा कहाँ रह गए? औरतों को लेट होते हुए मैंने सुना है, लेकिन हमारे घर में इसका एकदम उल्टा आ रहे हैं। उसे जरा गाड़ी स्लो चलाने बोल बेटा। अंकल आप बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं ये तो पता है, जरा स्लो गाड़ी कैसे चलाते हैं चलाकर दिखाना। Hey, dude, ये तो स्लो है। सुनिए जरा स्लो चलाने बोल दीजिए ना। गाड़ी साइड में लो। अबे क्यों सर? मैं बोल रहा हूँ ना गाड़ी साइड में लो। इनको क्या हो गया? आपने क्यों साइड में लिया ये तो बताइए सर। ये बताओ नाम क्या तुम्हारा? राजा, फील्ड में एक और नाम से मुझे बुलाते हैं। रॉकेट राजा। कौन सा फील्ड अंकल? ट्रैवल्स फील्ड में छोटू। वो सब छोड़ो, क्या तुम सर? अपने मालिक का नंबर मुझे दो। क्यों सर, नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही भेजने के लिए बोलेंगे? नेक्स्ट टाइम तुम है न भेजे ये बोलना है उससे। सॉरी सर, मेरे कैरियर में आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा सर। कैरियर? इंग्लिश ठीक से नहीं आती ना, मेरे अनुभव में, समझ गए ना? समझ गया अंकल। सर क्यों सर, गाड़ी तो मैं फूल की तरह चला रहा था ना सर। फूल जैसे नहीं चला रहे थे, तूफान की तरह उड़ा रहे थे इसे। सर आप लोगों को लेट हो रहा था इसीलिए स्पीड में चला रहा था ना सर, नहीं चाहिए तो एज योर फिश, दैट्स ऑल। अंकल मेरा एक रिक्वेस्ट है। तुम्हारे डैडी ने रिक्वेस्ट कर ली ना बेटा? वो नहीं है। फिर क्या है? इसके बाद कभी इंग्लिश में बात मत करना। इस दुदमुहे को भी इंग्लिश आती है। सुबह की खिली हुई धूप की तरह चेहरा दिख रहा है, इसको तो किसी भी तरह पटाना ही पड़ेगा। अरे रे, इस गधे ने मुंह ढक लिया। रुक बताता हूँ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ना आप लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो ये चेक कर रहा था इसीलिए। ऐसी बकवास फैमिली है। अरे बाप रे, तो सोएंगे तो भी साथ में, जागेंगे तो भी साथ में, सबके सब एक ही वायर से जुड़े हैं। आपकी फैमिली को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है सर। वैसे आपके भाई का नाम क्या है? मेरा कोई भाई नहीं है। ये बुढ़ा तो उल्टा मेरे ही खिंचाई कर रहा है, किसी भी तरह इसे फंसाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा ठीक है। सर मैंने तो आपका नाम पूछा था सर। सहदेव नायक। ओ अच्छा नाम है। सुनिए हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सही है ना? हाँ वही, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हुई। मैं आपके साथ हूँ, आपको क्या कंफ्यूजन है सर? सही पता है ना? क्यों सर आपको शक है क्या? मुझे भी नहीं पता है राजा, किसी से पूछना पड़ेगा।
कोई दिख नहीं रहा है, किससे पूछूं? ए मैन, व्हाट ब्रो? बाप रे। भाई थोड़ा यहाँ आएंगे? कमिंग कमिंग ब्रो। इसकी जात का। क्या चाहिए भाई? ये महाबलेश्वर जाने का रास्ता कौन सा है? यहाँ से सीधे जाओ, हाँ? 2 किलोमीटर के बाद में, हाँ? राइट ले लेना। ले लिया। उसके बाद? वैसे सीधे जाओ, एक कुआं मिलेगा, हाँ? वहां से लेफ्ट ले लो। वो भी ले लिया। आ? उसके बाद? ए, मेरे बोलने तक चुप ही रहना, समझा? अब बोलिए भैया। अब क्या बोलना है? वहां से सीधे जाना, हाँ? जंगल मिलेगा, हाँ? वही तुम्हारा एड्रेस है। ये गधा पूरे जिले की परिक्रमा करवा रहा है, इसे मैं सबक सिखाता हूँ। अब देख भैया, ये सारी जमीन आपकी है? हाँ, ये सारी जमीन मेरी है और ये जमीन मेरी नहीं है। अबे पूरी बात तो सुन ले, अरे पागल। अबे मेरी धोती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? क्या हुआ यार? सर पंक्चर हो गया सर, इस तरफ। हुँ? सर यही बाकी था सर, इतने दिनों तक स्पीड में चला रहा था ना, इसीलिए पंचर नहीं होता था। लाइफ में फर्स्ट टाइम आपकी वजह से स्लो चलाया ना सर, इसीलिए पंचर हो गया। हेलो सर, यू वरी डोंट सर, स्टेपनी है, आई विल चेंज, रॉकेट रेडी सर। ओके सर, पंचर निकलो। कहाँ फंसे? इस मोटी के कारण ही मेरा टायर पंचर हुआ है। ए अभी उधर देख, बहुत सुंदर है ना? हाँ पापा। वाह ब्यूटीफुल। क्या हुआ तुम्हें? क्या है ये? बगल के गांव में घर है बोलकर कोई जंगल में लेके आए हो? उस ब्रोकर ने बताया था कि वहाँ बगल के गांव में ही है, अब मुझे क्या पता था जंगल में होगा। अब चलो इतनी दूर तो आ ही गए हैं, देख लेते हैं चलकर। पापा ये जंगल देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना घर वापस चलते हैं। डर क्यों लग रहा है? ए तो चुप रह, शहर में कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन माँ का भी अस्थमा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ऐसे वातावरण में रहना बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम यहाँ हैं। सही कहा। तू रोज भूतों वाली फिल्म देखती है ना, इसीलिए भूतों वाली जगह तुझे पसंद है। ए माँ पागल है क्या? माँ कुछ भी देखो, उसे मार रही है। सर गाड़ी रेडी है सर। पापा इस जंगल में अगर हम घर लेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे? ओह, तेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है ये पूरे स्कूल को पता है, और अचानक तुझे क्यों इतनी स्कूल की फिकर होने लग गई? एंस्टन बनना चाहता है? मैं चाहे एंस्टन बनूं या फिर चाहे आमिर खान, तुझे क्या? हाँ खुद की शक्ल देखिए कैसी है, आमिर खान बने। एक पंच मारूंगा तेरे दांत ही तोड़ दूंगी मैं। सर गेट पर ताला लगा है सर। तुम जाकर गेट खोलो, लॉक ओपन हो जाएगा। डायना हाउस। क्या कर रहे हो यार? ये आज बार बार क्यों तंग कर रही है? क्या हुआ है? सर मुझे तो लगता है कि रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। ठीक है तो देखो क्या हुआ है, हम लोग अंदर चलकर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ।
कितना खूबसूरत है। सुनिए जी, आपने उस ब्रोकर को घर दिखाने कहा था या राजमहल दिखाने? वो क्या है, मैं इनकम टैक्स में हूँ ना, उसे लगा होगा मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। दीदी, उसे असलियत पता होती तो हमें ये घर वो बिल्कुल नहीं दिखाता। चलो चलो वापस चलते हैं। पापा, हम इतने दूर तक आए हैं, घर के अंदर चलकर देखते हैं प्लीज। इतना सुंदर घर है पापा, प्लीज ना। चलो देखते हैं, देखने में क्या है। अरे अरे भाग मत, गिर जाएगा। नहीं गिरूंगा माँ। अरे बाप, क्या बात है, जंगल के बीच में इतनी आलीशान हवेली। सुनिए जी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सुपर्ब, कितना सुंदर घर है। घर तो अच्छा है, लेकिन डर सा क्यों लग रहा है? डर तो मुझे भी लग रहा है। तुम्हें तो पहले से ही घर देखना पसंद नहीं है, ये घर खाली है, कोई रहता नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आ जाओ, महल से कम नहीं है ये घर। अभी अभी तू कह रही थी कि तुझे ये घर पसंद नहीं है, और अब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। हाँ, ये क्या है? सुनिए जी, यहाँ ये तो हा? ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। छोटा बच्चा है, कुछ ना कुछ करता रहता है, हम लोग डर गए ना। तुम डर गई थी, मैं नहीं। इस बेचारे ने कुछ जानबूझकर थोड़े ना किया था। वो सब रहने दीजिए, मुझे इस घर में कदम रखते वक्त बड़ा अजीब सा लगने लगा था। ये घर हमारे लिए मनहूस है। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती रहती हो? ये घर हम लेने जा रहे हैं क्या? नहीं ले रहे ना? चोट वोट तो नहीं लगी ना? तुम करने क्या गए थे वहाँ पर? मैं देखते देखते पीछे गया और सडनली ऊपर चला गया। मैं इस वजह से बहुत डर गया था पापा, इसलिए आप लोगों को आवाज दी। चलो अब जाने दो उसे। किसी हाँ, चीज को हाथ मत लगाना है। अरे रे, मैंने टाइम दिया था वो तो खत्म हो गया। माँ, हाँ? मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। जाकर हम लोग नीचे बैठे हैं। हाँ ओके। बहुत देर हो गई है, अनु कहाँ रह गई? रुकिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। पार्वती, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर तुम थक जाओगी। हाँ?
अनु अनु पापा अनु पापा बिच्छू है पापा बिच्छू कहाँ इधर डोर पर गया क्या देख कर बताओ मुझे नहीं गया नहीं गया कहाँ है बिच्छू दिखा उधर बिच्छू से भी कोई डरता है क्या चलो चलो आ जाओ आज नसीब ही खराब है अरे बाप रे अब मैं क्या करूं यार मुझे दिखाई देना भी बंद हो रहा है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी पापा रॉकेट ओपन कर तेरी गाड़ी का जैकेट अरे वाह अब कुछ भी करो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी रॉकेट इतने दिनों तक मेंटेन किया हुआ रात वाला तेरा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा मैं बहुत डर गई थी वो बिच्छू काफी बड़ा था पापा डरने की क्या बात है बेटा अभी हाँ, अच्छा करना यहाँ से निकल जाओ बस आराम से सर जल्दी आकर बैठ जाइए सर मुझे एक जगह और जाना है बेचारा कस्टमर मेरा वेट कर रहा होगा चलो अरे वाह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और कौन लोग हैं अब क्या हुआ यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सर पर उधर किसको देखकर बात कर रहा है तू हाँ अरे बाप रे सर गर्दन में स्लिप डिस्क है सर स्लिप डिस्क है अब ऐसे ही बैठकर बकबक करता रहे अरे नीचे उतर कर देखो ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है तुझे ही बोल रहा हूँ मैं सर इस कान से आपकी बात सुन रहा हूँ सर सब लोग कान से ही सुनते हैं अब जरा उतर कर देखो प्रॉब्लम क्या है सब करके हो गया है सर क्या सब चेक कर लिया है सर अभी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है रात को यहीं रुकते हैं सुबह जल्दी उठकर गाड़ी रिपेयर करके निकल लेंगे सर हाँ नेटवर्क भी नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते अब तो पार्वती हमें यहीं रुकना पड़ेगा लगता है हे भगवान रात भर यहीं रुकना पड़ेगा नहीं जी इस घर से मुझे बहुत डर लगता है पापा पार्वती अब इस तरह की बेकार की बातें करके बच्चों को मत डराओ तुम चलो उतरो अब इडियट स्टुपिड आज इस मनहूस घर में रात गुजारनी पड़ेगी लेकिन क्या करें? जाने की कोशिश की लेकिन यहीं रुकना पड़ा इनहेलर लाए हो क्या बैग में होगा बेटा देखो ना है कि नहीं देखो दीदी अकेली रहेगी तू भी वहां जाके सो जा बेटा माँ बहुत भूख लगी है सॉरी बेटा आज के दिन तू एडजस्ट करना कल जब हम यहाँ से निकलेंगे तब रास्ते में कुछ खा लेना ठीक है अभी जाके सो जा बेटा गुड नाइट माँ गुड नाइट पापा गुड नाइट अनु दरवाजा खोलो ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है दीदी मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ
डायनो। तेरा बहुत हुआ नाटक। वैसे ये नाइटी कहाँ मिले तुझे? ये नाइटी मेरी है। ए डरपोक, बत्ती गुल हो गई? बत्ती गुल नहीं तो ऑन होगी क्या? इतना छोटा सा मजाक किया और तू इतना डर गया। अनु की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। अनु चिल्ला रही है? अनु? 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 दोनों तो यहीं सोए थे ना? हाँ। शायद बगल के कमरे में होंगे, देखते। अनु? ऐसे क्यों बैठी हुई है बेटा? पापा। बलराम इतना पावरफुल है, उसके पीछे उसके वो तीन खास लोग हैं जो उसके साथ काम करते हैं, जो उसके बैकबोन हैं। उसमें पहला है राणा। वो चीते की तरह भागता है और चील की तरह उसकी नजरें हैं। जैसे शतरंज के खेल में राजा के साथ हमेशा मंत्री रहता है, ठीक वैसे ही बलराम के साथ ये राणा रहता है।
He is very, very dangerous criminal. दूसरा है बशीर, मसल मैन, हाथी की तरह ताकतवर है वो। राणा अगर बलराम का राइट हैंड है तो बशीर लेफ्ट हैंड। और तीसरा है कृष्णा, मतलब छोटे कृष्णा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी ताले को आसानी से खोल देता है, कोई कुछ सोचे उससे पहले ही ताला खुल जाता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की, बलराम को लड़की और दारू यही कृष्णा सप्लाई करता है। यहां तुम लोग क्यों आए हो? हम यहां आएंगे ऐसा तूने सोचा भी नहीं था ना, हमने भी ऐसे तू आएगा राइड करेगा ऐसा सोचा भी नहीं था। बुरे लोगों से पंगा लेगा तो अंजाम क्या होगा ये भाई ने तुझे बताया था ना, वही दिखाने के लिए हम यहां पर आए हैं। तू डरा रहा है मुझे? जब तू हमारे घर आया था तब हम ऐसे ही चुप बैठे थे, अब तू भी चुप बैठेगा, बैठेगा ना? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अपनी शक्लें देख लो, कल सुबह होने तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हे मिस्टर, विल यू स्टॉप स्मोकिंग? तेरी बेटी कुछ बोल रही है देखना। ए मिस्टर, मैं तुझे ही बोल रही हूँ, बीड़ी पीना अभी के अभी बंद कर। अच्छा। तेरी तो मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, छोड़ दो मुझे, मारेगा क्या कर रहा है? कौन पता है तुझे? पापा नहीं, तुझे उसे छोड़ दो, छोड़ो उसे, छोड़ो कह रहा हूँ। पार्वती, 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 प्लीज मुझे जाने दो, मेरी माँ को अस्थमा की तकलीफ है, अगर मैंने उन्हें इन्हेलर नहीं दिया तो वो मर जाएंगे। तुम सब तो कल मरने वाले हो, तो तेरी माँ आज बजाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ दी हूँ, प्लीज। ए छोटे, पार्वती, बॉस आने तक यहाँ कोई खून खराब नहीं होगा, छोड़ दो उसको। उसके साथ तू भी जा। अनु जल्दी ला, जानू 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 जानू, अरे रुको रुको रुको, जानू आराम से, जानू धीरे से, चोट लग जाएगी। इन सीढ़ियों से अगर तुम्हारा पैर फिसला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मेरी फिक्र हो रही है, इतना नाटक की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है, मुझे लड़कियों से बहुत प्यार है, वो प्यार मैं आज तुझसे भी करना चाहता हूँ। रास्कल, जानू रुको।
ये क्या है? इस घर के सभी दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये क्यों बंद है? इसमें कुछ तो खजाना छिपा होगा, चलो चेक करता हूँ। बोल क्यों नहीं रहा है? क्या है, मुझे लड़कियों से बहुत प्यार है, वो प्यार मैं आज तुझसे भी करना चाहता हूं। बशीर जाकर देख। छोटे ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। राडा बशीर, क्या हुआ छोटे को? राडा, छोटे मर गया। छोटे, ए छोटे, छोटे उठना रे। सबको सुबह तक जिंदा रखने वाला था, तुमने तो मेरे आदमी को मार दिया, अब तुम कोई नहीं बचाओगे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि ये किसी का खून करते। इसके हाथ में रॉड है, इसे देख रहे हो, मरा पड़ा है, और तू कह रहा है मेरी बेटी मार नहीं सकती? बता, मेरे दोस्त ने क्या खुदकुशी की है? नहीं, आते वक्त उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, सेफ्टी के लिए मैं ये रॉड लेकर आई थी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए पापा, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत बड़े ड्रामा आर्टिस्ट हैं ये लोग, भरोसा मत कर। बॉस के आने तक अगर हमने इन्हें नहीं मारा ना, तो ये हमें मार डालेंगे। राणा, इनमें से किसी को नहीं छोड़ना। शेर हिरन को पकड़ने का प्लान करता है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पर हिरन ही शेर को पकड़ने के प्लान में है। इस गन में जितने भी बुलेट्स हैं, तेरे शरीर में जाने से पहले ही, उस दर्द को महसूस करने से पहले ही तेरी जान निकल गई होगी, और यही बुलेट्स तेरे बेटे के भेजे में जाते ही वो दर्द तेरी आंखों में दिखाई देगा। मेरे बेटे को कुछ मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें डाउट मुझ पर है ना, तो तुम मुझे मारो, मेरा भाई नादान है, प्लीज उसे कुछ मत करो। अंकल, पापा, माँ, दीदी को छोड़ दो, चाहे तो मुझे मारो। देखो, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ मत करो। राणा, थोड़ी देर और रुके ना, तो हमें अपने आप को गोली मारनी पड़ेगी इनकी वजह से। जल्दी से काम खत्म कर और निकल यहां से। पापा, क्या हुआ? माँ,
सदैव ज्यादा दिमाग मत चला, अंधेरे में भी शिकार करने वाला चीता हूं मैं। बशीर, इन सबको मेरी आंखों के सामने तड़पते तड़पते मरते हुए देखना चाहता हूं। मोबाइल का टॉर्च ऑन कर। कौन है देख? क्या चल रहा है दा? क्या देख रहा हूं मैं? याला, याला! बशीर
आखिर में शेर के सामने लोमड़ी की चाल चाल ही थी ना, साथ में किसी और को लेके हमारे साथियों को मार रहा है। तेरा खेल मेरे साथ नहीं चलेगा, अगर तुझ में ताकत है ना तो मेरे सामने ला, ला मेरे सामने, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। शेर के सामने लोमड़ी की चाल चलाई है ये बात कहने वाला अगर शेर हो तो सुनने में अच्छा लगे। लोमड़ी के मुंह से नहीं, छुपा हुआ जो कुछ भी है तुम्हारा है, मेरा सब कुछ सामने है। अगर मेरी फैमिली यहाँ मेरे साथ नहीं होती तो फिर कहानी कुछ और ही होती। सुनील जी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कहाँ हो तुम? अभी बेटा अभी कहाँ हो? अभी बेटा पार्वती क्या हुआ? पार्वती अभी 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 उठो अभी 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 पर क्यों आए? हम ये घर देखने आए थे। आपके साथ यहाँ पर कोई था, मतलब कोई दूसरा आदमी वगैरह? हाँ, हमारे साथ एक टैक्सी ड्राइवर भी आया था, और वो शायद वो आने का कोई चांस नहीं, छोड़ दो उसे। हम यहाँ अंदर आने से पहले उसको बाहर ठिकाने लगा दिया था। हाँ, जब तुम लोग यहाँ अंदर आए तब कोई यहाँ पर था?
कुछ तो था यहाँ पर, कौन है अंदर? चलो निकलते हैं। जल्दी चलो चलो। चलो आ जाओ जल्दी हो। चलिए मेरे पीछे आओ, आ जाओ जल्दी बैठ जाओ गाड़ी में।
जब हम लोग यहाँ आए थे तब तो ये इतनी दूर नहीं था, पर अभी तो ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? अरे मरने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली क्या? मेरी गाड़ी मिली थी क्या? हाँ साहब, अगर मैं सुबह सुबह आपकी कार के नीचे आके मरूंगा तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, इसीलिए खड़ा था। आप भी ना जब तो बोल मत, नहीं तो यहीं पे ठोक दूंगा। ए अंबे साहब, साहब मैं तो राम नाम का जप करके चल रहा था, आपने कार चढ़ा दी और ऊपर से आप गन भी दिखा रहे हैं। अच्छी बात कर रहे हो साहब, क्या करो तुम, समझ में नहीं आता? चलो गाड़ी में चल। बाल बाल बच गया मैं। ए बेवड़े। ए मैं बेवड़ा नहीं हूँ, रामू हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ से शहर कितना दूर है रे? 4.5 किलोमीटर है यहाँ से। 4.5 किलोमीटर? हम लोग इतनी देर से घूम रहे हैं, हमें शहर दिखा तक नहीं। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? तुम लोगों को देखकर लगता है कि रास्ता भटक गए हो। देखो मुझे यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ की जगह के बारे में ठीक से पता है। हम लोग महाबलेश्वर के बगल वाले डायना बंगलों को देखने के लिए आए थे यहाँ, और अब हम लोग इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, ऐसे सीधे सीधे जाओ। ए, रुक जाए, तुझे उस बंगलों के बारे में कुछ पता है क्या? कौन सा बंगला साहब? मेरी माँ की कसम मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे घर जाने की देरी हो रही है, चलता हूँ साहब। मुझे उस जगह के बारे में पता है, ये मैं जानता हूँ। अगर सच सच बताया तो घर पे जाएगा, अगर झूठ बोला तो सीधा ऊपर जाएगा, समझा क्या? सच में मुझे कुछ नहीं पता साहब। तुझे सीधी बात समझ में नहीं आती है ना? अब मेरी भाषा में समझाता हूँ तुझे। बताता हूँ साहब। बोल। बताता हूँ। बताता हूँ। उस घर का नाम सुनते ही डर लगता है, इस बारे में बोलने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है। हमारे साहब का नाम था स्टीफन, बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी बीवी थी डायना, देखने में महारानी के जैसी थी। हमारे साहब को डायना जी जान से प्यारी थी, उनके जन्मदिन पर उन्होंने एक सुंदर सा घर बनाया था और उसका नाम डायना रखा था। उस समय ही मैं उनके पास काम पे लगा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमारे साहब काम में बहुत व्यस्त रहते थे और हमारे साहब को काम के लिए विदेश भी जाना पड़ता था। लेकिन उस समय हमारी मैम साहब का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं था, वो हाथ में खिलौना लेके घुमाती रहती थी, हर एक घंटे में कॉफी दो कहती रहती थी। एक दिन मैं जब काम करके घर आ रहा था तभी पता चला चाबी साहब के घर पर ही छोड़कर आ गया था। जब चाबी लेने वापस साहब के घर गया तो मैंने उस घर में जो नहीं देखना था वो देखा। मैम साहब दूसरे मर्द के साथ सोई हुई थी, वो देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ये सच छुपा नहीं पाया तो ये बात मैंने साहब को बोल दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, बीवी का ही पक्ष लिया और मुझे धमकाया। उस बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहते थे। मैम साहब को पता चले बिना उन्होंने रूम में कैमरा लगवा दिया। मैम साहब और उस मर्द को साहब ने अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों मेरी जायदाद लेकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। गुस्से में साहब मैम साहब को मारने गए, इंसानियत भूलकर क्रूर बन गए। साहब से बचने के लिए मैम साहब ने उनके सर पे मारा और लगने से साहब बेहोश हो गए और मैम साहब वहां से भाग खड़ी हुई।
साहब को होश आते ही मैम साहब को ढूंढने लगे। उस वक्त उन्होंने खून के निशान देखे और निशान के पीछे पीछे चलने लगे। वो खून के निशान एक रूम की अलमारी तक जा रहे थे और साहब को पता चल गया कि मैम साहब इस अलमारी के अंदर है। तो मैम साहब को मारने के लिए साहब ने अलमारी को बाहर से बंद कर दिया। वो मैम साहब के दिए हुए धोखे को भुला नहीं पा रहे थे और उन्होंने शराब ज्यादा पीना शुरू कर दिया। साहब उस दर्द से उबर नहीं पा रहे थे तो एक दिन उन्होंने खुदकुशी कर ली। स्टीफन साहब के मरने के बाद मैंने उस घर की तरफ जाना ही बंद कर दिया। मेरे साहब के कोई दूर के रिश्तेदार इस बंगले को बेच रहे हैं ये सुना है मैंने। वैसे आप लोग वहां पर क्यों गए थे? हम वो घर लेने के लिए गए थे लेकिन वहां देखा तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। सुनिए जी, अनु नहीं दिखाई दे रही है। अनु 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 कहाँ हो? अनु कहाँ पर है? अनु अनु कहाँ हो बेटा? अनु 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 हे सुनो, हम सबको वहाँ वापस जाना होगा। फिर से वापस? अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए ना तो हमें वापस वहीं पर जाना होगा। बात करने का टाइम नहीं है अभी, चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी चलो। ए, तू पुतली जैसा क्यों खड़ा रहे? चल गाड़ी में बैठ। साहब शमशान में बुलाओगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, लेकिन उस घर में मत ले जाइए साहब। अभी तू आया नहीं ना तो शमशान में ही जाएगा, चल गाड़ी में बैठ। मैंने बोला ना साहब, मुझे माफ कर दो, मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगा। ये देख, तू हमारे साथ आया तो जिंदा रहने के चांस बहुत है, अगर नहीं आया तो मेरे हाथों से यहाँ कंफर्म मरेगा। चल आ जा गाड़ी में। मदद करने गया और मैं खुद ही फंस गया, कुछ करना पड़ेगा। साहब एक काम करते हैं, अगर आपको उस घर में जाना ही है तो इधर ही बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, उधर ही सूर्य तेजा स्वामी जी भी हैं। अगर उनसे मिलोगे तो वो सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऑलरेडी तुझे बहुत समझा चुका हूँ मैं, खाली फुकट मेरे गन को काम मत दे, चल आ जा गाड़ी में। साहब जी आप ही ने कुछ समझाइए ना। ठीक है चलते हैं वहीं पर। आइए चलते हैं। वो देखो वही है सूर्य तेजा स्वामी जी। वो लड़का स्वामी है क्या? अरे ऐसे मत बोलो, हाथ जोड़ो माफी मांगो। बेवड़े मुंह तोड़ दूंगा तेरा। स्कूल जाने वाला बच्चा आंख बंद करके यहाँ पर बैठा है, उसे स्वामी कहे, उसको तू सूर्य तेज स्वामी कहता है और हम उसे मान ले, हम क्या तुझे तेरे जैसे दिखते हैं क्या? इसकी बात मत मानो, ये पहले से ही टल्ली है। साहब उनकी उम्र पे मत जाओ, उनका चमत्कार देखो, यहाँ के सभी लोगों को पता है वो क्या है। चलिए धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको, चलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। ये क्या रामू, रास्ते की समस्या को अपने कंधे पे लिए घूम रहे हो? क्या बताऊं स्वामी जी, खुद पिशाच की समस्या में फंसे हैं ना, इसलिए इनको यहाँ पर लेके आ गया। पता नहीं इन आंखों को क्या क्या देखना पड़ेगा, डर लग रहा है स्वामी जी। चलो समय निकला जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर रखे निर्जीव शरीर को सूर्यास्त से पहले
पंचभूत में दफन करना होगा, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझसे पहले ये नहीं जा सकता। नहीं माँ, जिद मत करो, अपने आप को संभालो। मरे हुए शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो वो अतृप्त आत्मा रहेगी, वो आत्मा फिर से जन्म भी नहीं ले सकेगी। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ माँ, इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। आज ये गया, कल मैं भी जा सकता हूँ। जो बस में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना है, और सोच सोच कर परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अब रोना बंद करो माँ, चलो। क्या मैं पूछ सकता हूँ अपने गले में क्या पहना है? कोई बात नहीं, मत बताइए। ये मेरे बाबा की पहचान है। जरा विस्तार से बताएंगे? मेरे गांव का नाम कालीपुर। मेरे पैदा होते ही माँ चल बसी, मेरी परवरिश पापा ने ही की। हमारे गांव के दुर्गा देवी के मंदिर में मेरे पापा पुजारी थे। गांव में जादू टोना बहुत ज्यादा चल रहा था। उन दुष्ट शक्तियों से लोगों को बचाने के लिए मेरे पापा माता के मंदिर में श्री चक्र सबके गले में बांधा किया करते थे। इसलिए उनके खिलाफ भड़के हमारे गांव के लोगों ने, उन झूठे लोगों ने, मेरे पापा ने माता के गहने चुराए हैं और मंदिर में बहुत सारे गलत काम करते हैं, ऐसे झूठे आरोप लगाए। ये झूठी कहानी बनाकर गाँव की पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद सब गाँव वालों ने मिलकर मेरी आंखों के सामने उनको जिंदा जलाया। उस वक्त मैं सिर्फ देखता रहा। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन इस झूठे समाज के लिए मेरे मन में घिन है। क्रूरता से भरे हुए, दुष्टता से भरे हुए इस दुनिया में जीना है तो मुझको भी क्रूर बनकर ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैं उस BMW बलराम के पास गया। वो जो बोलता था आंखें बंद करके मैं काम पूरा कर देता था, पीछे देखे बिना मैं आगे चला जाता था। अगर इसके बारे में बोलना है तो इसका कोई भी फायदा नहीं, पर पापा की निशानी है इसीलिए मैं गले में लटका कर घूमता हूँ। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आपकी जान बची है तो इसी की वजह से। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये सब भगवानों की शक्ति वाला श्री चक्र है। ये जब तक आपके गले में है कोई दुष्ट शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ललिता त्रिपुरा सुंदरी पदुकं पूज्यायिनी राजेश्वरी। अच्छा ये बताओ, आप तो इन्हें मारने के लिए आए थे, फिर क्यों बचाया आपने? इसका कारण आपको पता नहीं है, पर ये आपके अच्छे गुण हैं। अब तक आप लोगों को मारते थे और मारने के बाद उस बारे में सोचते भी नहीं थे। मरे हुए के घर का दर्द, परेशानी, संकट, ये सब आपको समझ में नहीं आता था। लेकिन आज पहली बार इनके बच्चे के मरने के बाद पैदा करने वाले माँ बाप के दुख को आपने समझा है। आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हीं की वजह से आपने इन्हें मारा नहीं बल्कि इन्हें बचा लिया। वैसे ये बताइए, मारने वाले आप होते कौन हो? जब समय आएगा तो सब अपने आप। चलिए हाँ।
दिख रहा है ये क्या है? क्या लगा है? कुछ तो होगा ही, चेक करता हूं। क्या हुआ स्वामी जी? हम वो एक कमरे में बंद हो, लगता है अनु की आवाज है। चाबी खो जाए अनु, हम अनु एक कमरे में बंद हो। तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। अमानु यहाँ पर क्यों बैठी हो? ये सब क्या है अनु? पहले मुझे अनु बुलाना बंद करो। हाँ? मेरा नाम है डायना। क्या है बेटा ये सब? चलो हम घर चलते हैं। अब कौन सा घर? ये है मेरा घर। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग सब मेरे घर क्यों आए हो? हे रामू, तू ही इन लोगों को यहाँ ले आया है ना? इस टाइम पे मुझे कॉफी चाहिए होती है, तुझे पता नहीं है क्या? जा कॉफी लेकर आ। तुझे समझ में नहीं आता, जा कॉफी लेकर आ। तूने मेरे पति को भड़काया था ना? तेरे खिलाफ तू मेरे पति को भड़काता था और इसीलिए उसने मेरा खून किया। खून? मैं तुझे मार कर तेरा खून पी जाऊंगी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस कौन है ये उजागर राम दूत अतुलित बलधाम चलीपुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन बरन विराट सुबेसा कानन कुंडल कुंचन केसा हाथ बज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ कौन है तू शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम राज करिबे को आतुर प्रभु चरण सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा प्रकट अंग जड़ावा भीम रूप खोल खोल दरवाजा दरवाजा खोल नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता चलिए आप भी ना ये क्या है स्वामी जी मैं इन लोगों की मदद करने गया तो मैं इस चक्कर में खुद ही फंस गया रामू जाने अनजाने में उसके मरने का कारण आप ही हो पर उसे लगता है कि वो अब तक जिंदा ही है उसे ये घर बहुत पसंद है और कोई भी इसे लेने आएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी अगर आप लोग इस घर में रहने आए तो वो आप लोगों को भी मार डालेगी लेकिन अनु ने कोई गलती नहीं की तो वो आत्मा उसे क्यों परेशान कर रही है किसी भी आत्मा के किसी शरीर में प्रवेश करने के कई कारण होते हैं जो भी इंसान भगवान की शक्ति से ज्यादा दुष्ट शक्तियों के बारे में सोचता रहता है उसके अंदर अपने आप भगवान की शक्ति कम होने लगती है और उसका दिल और शरीर दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करता है और आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है आत्मा ने अगर शरीर को काबू में कर लिया तो फिर उस आत्मा को निकालकर शरीर को पहले जैसी स्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अभी आपकी बेटी की वही हालत है अगर उनके शरीर से आत्मा को बाहर निकालना है तो इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं कुछ भी हो जाए हम उन्हें यहाँ से वापस लेकर ही जाएंगे लगता है ये मुझे मार के ही छोड़ेगा लेके जाएंगे साहब लेके जाएंगे आज तो मेरी बलि चढ़ेगी उस आत्मा को निकालकर आपकी बेटी को अगर मुक्ति दिलानी है तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है मरते वक्त उस शरीर का खून जिन जिन वस्तुओं पर लगा था उन सभी वस्तुओं को हमें अग्नि में दहन करना होगा और ये काम सुबह 3 बजे से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए और अगर 3 बज गए तो प्रेत आत्माओं को समाप्त नहीं कर पाएंगे तब उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा बहुत ही मुश्किल ओम सर्वबंध विमोक्षे नमः नहीं दरवाजा खोल खोल दरवाजा दरवाजा खोल नहीं ऐसा नहीं कर सकता खोल दरवाजा दरवाजा खोल विमोचकाय नमः ॐ अञ्जनाय नमः ॐ दैत्यकार्य विघातकाय नमः पापा मां पापा प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालिए पापा प्लीज ये मुझे मार देंगे पापा प्लीज रुक जाइए प्लीज कृपया करके इस हवन के पूरे होने तक दरवाजा मत खोलिए पापा बाहर निकालिए मुझे प्लीज अनु 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 आकर मुझे को बंदी करते हो तुम सबको मैं अब मार दूंगी क्या हो रहा ना
क्या हो रहा ना? आप जाओ, अलमारी को चला दो, जाओ। लेकिन तुम्हें समय निकला जा रहा है, जाओ अपनी बेटी को बचाओ। स्वामी जी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जाओ सर, जाओ जाओ। जल्दी उस अलमारी को जला दीजिए, समय निकला जा रहा है। स्वामी जी, अब तो हम अपनी बेटी को लेकर आ सकते हैं ना? ले आइए। अनु, अनु, बेटा अनु, माँ, मुझे क्या हुआ? माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। स्वामी जी, अब ये समस्या खत्म हो जाएगी क्या? ये प्रसाद उन्हें पिला दीजिए। आओ बेटी। लो बेटी, प्रसाद पी लो, पी लो बेटी। मुझे और मेरे पति को अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है तूने। ए बच्चे, भगवान का नाम लिखकर तूने बंदी बनाया और तुझे लगा मैं बंदी बन जाऊंगी। मुझे मारने के लिए तूने मेरी अलमारी को जलाया और मेरे ही घर में बैठकर तूने मुझे मारने के लिए होम किया, और चाहकर भी तू मुझे नहीं मार पाया। याद रख, मैं कोई सामान्य प्रेत नहीं हूँ, मैं हूँ डायना। तू मुझे बंधित करने आया, लेकिन तू ही खुद अपने जाल में फंस गया है। ये जगह मेरी है, इस डायना की। भगवान ने तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा कि ये जगह तुम्हारी है, बस एक कागज पर तुम्हारा नाम है, और वो सिर्फ तब तक है जब तक तुम हो, लेकिन अब तुम्हारा हक वो नहीं है। इस शरीर को छोड़कर जाना होगा, इस घर को और इस शरीर को छोड़ दो, छोड़ना ही होगा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ए, चुप बैठ तू। तू मुझे मुक्ति देने वाला है? मेरी शक्ति क्या है मैं तुझे अभी दिखाती हूँ, इन दोनों को मारकर। देख मैं तेरे सामने इन लोगों को कैसे मारती हूँ। डायना, मैं हूँ डायना। दैत्य कार्य दूतने।
उस शरीर का खून जिन वस्तुओं पर है उस हर वस्तु को अग्नि में दहन करना होगा। मैं तुम्हें मारूंगी। मारने के लिए तैयार हो जाओ। क्यूब आग में गिरने के बाद हम बाहर आए कि नहीं? क्या है अनु, कब की सुबह हो गई है? तो अभी तक सोई है? दरवाजा खोलने को क्या हुआ? रोज रोज वही बात, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। रात को भूतों वाली फिल्म देखकर भूतों की तरह सोती हो। देखो तुम्हारी शक्ल भी भूतों जैसी हो गई है। ए अभी तू अब तक जिंदा है? अरे राक्षस कहेगी, सुबह सुबह मरने की बात कर रही है तू? मेरे बेटे को मारना चाहती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। माँ, रुक, कहाँ भागती है? अरे ना माँ, जा। नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कहीं नहीं, माँ। अरे क्या क्या प्रोग्राम देखती है? रुको। क्या हुआ? तू इतना भागेगी तो असमा का अटैक आएगा, फिर तेरा लाडला बेटा इनहेलर लेकर आएगा। इतना सेंटिमेंटल ड्रामा जरूरी है क्या माँ? क्या अस्थमा और मुझे, क्या हुआ है तुझे? मतलब हम सब घर वालों को मारने का प्लान किया है तूने? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अभी स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी चलो। हाँ आता हूँ। माँ ये तो स्वामी जी है, ये स्कूल कब से जाने लग गए? माँ पक्का इसे कुछ तो हुआ है, पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ। माँ पापा किधर है? इस घर में सब विचित्र लोग रहते हैं। तेरी 12 बजे तक सुबह होती नहीं है और तेरे पापा सूरज निकलते ही ऑफिस की मीटिंग के लिए चले जाते हैं। क्या करे, मेरे कर्मों का फल है। सब कंफ्यूजन है, क्या हो रहा है ये? माँ जी दूध। लीजिए माँ जी। अरे रामू तुझे कितनी बार कहा कि ऐसे दूध लेट मत लाया कर। कल से अगर मैं सुबह सुबह जल्दी दूध नहीं लाया तो मेरा नाम रामू नहीं। रोज रोज तेरा यही बहाना है। फोन कब से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही है? पता नहीं क्या सोच रही है। हेलो, हाँ बोलो। ऐसा क्या? ठीक है ठीक है, चावी ना ले लूंगी। रखती हूँ। किसका फोन था? तेरे पापा का। क्या हुआ? कोई घर बिक रहा है, कह रहे देख कर आते हैं। घर कहाँ किधर? वो कहीं महाबलेश्वर में है कह रहे थे। डायना हाउस क्या?
वो कौन सा है डायना हाउस? नहीं, सावित्री हाउस है। सावित्री हाउस? सुबह सुबह क्या हुआ है, अजीब अजीब बातें कर रही है? चल उठकर जल्दी तैयार हो जा। क्या हो रहा है मुझे? मेरे सपने में जो आया था वही चल रहा है ना, तो फिर कंफ्यूज क्यों हूं मैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्टीफन है, मैं आपका साइकोलॉजी का लेक्चरर हूं। स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है ड्रीम्स, मतलब सपने। सपने भी दो प्रकार के होते हैं, पहला नींद में आने वाले सपने, दूसरा जागते हुए देखे जाने वाले सपने। अब मैं नींद में आने वाले सपनों के बारे में बताता हूँ। द मोस्ट फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एडविन डिस्वेन ने कहा है, एक हेल्दी इंसान अपनी एक नींद में 5 से 6 बार सपने देखने का सामर्थ्य रखता है। वो सपने एक दूसरे से संबंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम जिसके बारे में अपने मन में ज्यादा सोचते हैं वही हमें सपना बनकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को इंजीनियर बनना पसंद है और कुछ लोग अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो लोग अपने सपने में खुद को डॉक्टर और इंजीनियर बना हुआ देखते हैं, और जो लोग हमेशा हॉरर बुक और थ्रिलर बुक पढ़ते और देखते रहते हैं उन्हें हमेशा भूतों और आत्माओं के सपने आते हैं। और जिनके साथ हम लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं उनका हमारे सपनों में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्या जानू, प्रपोज किए हुए कितने दिन हो गए लेकिन तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। जानू आराम से संभाल कर, फिसल जाओगी। अगर तुम सीढ़ियों से फिसल जाओगी तो तुम्हें चोट लगेगी और मुझे बहुत बुरा लगेगा। नाम के लिए सिर्फ मेरी लवर है तू, रोमांस तो बस तू इस बुक के साथ करती है। दिमाग घूम गया था इसलिए तुझसे प्यार किया। कुछ भी हो जाए इन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। कई सपने पानी के बुलबुले जैसे होते हैं जो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कई सपने ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हमें हमारे भविष्य के बारे में सूचित करते रहते हैं। इस बात को अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इतना ही नहीं देश के चक्रवर्ती राजा टीपू सुल्तान, छत्रपति शिवाजी महाराज, सबने सपनों के बारे में माना है। लेक्चरर के हिसाब से मुझे भूतों में इंटरेस्ट है इसीलिए ऐसे सपने आते हैं, या आगे मेरे लाइफ में ये होने वाला है? मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं। या पहले ये सब मेरे साथ हो चुका है इसीलिए मेरे सपने में आया? रोज भूतों की फिल्म देखकर सोती है, तेरी शक्ल भूतों की जैसी हो गई है। हाँ बोलो, चाबी ले लूं? लूंगी, रेडी होती हूँ। पापा ने फोन क्यों किया था? माँ क्या हुआ? कोई घर बिक रहा है देखकर आते हैं बोल रहे थे। कौन सा घर, घर कहाँ है? वो कहीं महाबलेश्वर में है कह रहे थे। हाँ डायना हाउस नहीं सावित्री हाउस। डायना हाउस। मुझे को पता करना होगा। सावित्री हाउस। तो कल रात जो मैंने सपना देखा वो सपना ही था, हकीकत नहीं। ना ही मैं कोई छत्रपति शिवाजी हूँ और ना ही टीपू सुल्तान हूँ जो मेरा सपना सच हो जाए।